हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल चीन के लोग ये बात जरूर कहते होंगे, दुनिया में जब हम आए हैं तो सब कुछ खाएंगे और खाने के बाद कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में आग लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तो दुनिया में आग लगा ही दी है और आग भी ऐसी लगाई है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, आपको बता दूं कि ये जो बीमारी दुनिया में फैली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों का हाथ है। लेट मी रिफ्रेज, हाथी नहीं, वहां के लोगों का हाथी से बड़ा मुंह भी है। दोस्तों, चीन के लोगों की आंखें जितनी छोटी होती हैं इनका मुंह उतना ही बड़ा होता है, तभी तो ये आसमान से लेकर समंदर तक की हर चीज को खा जाते हैं। इनके सामने कुत्ते बिल्ली तो छोड़िए, सांप, चचंदर, बिच्छू, चमगादड़, न जाने क्या क्या सब चलता है और इसको पचाते हैं वो बड़े आराम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि चीनी लोगों को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है। नंबर वन, क्रोकोडाइल। भाई, इस जानवर की शक्ल देखो, ये कितना भयंकर दिखता है। इसे खाने की तो छोड़िए, इसे कोई देख ले तो डर जाए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कितना खूंखार होता है ये जानवर, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनसे कहीं ज्यादा खूंखार हैं चीन के लोग। देखिए कैसे क्रोकोडाइल को मारकर उसे रोस्ट करके खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रोकोडाइल की जीभ तक खा जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि क्रोकोडाइल की पूंछ को आप जब तलकर खाते हैं तो उसका मजा कुछ और ही होता है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई मगरमच्छ को कैसे मार के खा सकता है यार। लेकिन ये चीन के लोग हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। मगरमच्छ की करी बनाते हैं ये लोग, जिसे वो चाउमीन के साथ खाते हैं। आप कमेंट के जरिए हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर टू, स्कॉर्पियन। जी हाँ, स्कॉर्पियन, जिसे हम बिच्छू के नाम से जानते हैं, वहाँ के आवाम इसे भी खा जाते हैं। जी हाँ, जिस बिच्छू के बारे में आप और हम ये कहते हैं कि अगर इंसान को वो छू भी ले तो जान निकल जाए, वो बात लगता है चीन में किसी ने नहीं सुनी है, क्योंकि चीन के लोग तो इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग स्कॉर्पियन के अंदर का जहर भी नहीं निकालते। इनका मानना ये है कि जैसे ही बिच्छू को गर्म तेल में फ्राई करते हैं उसका जहर खत्म हो जाता है। आई डोंट नो ये लॉजिक कितना सही है कितना झूठ है इसमें, हमें को नहीं पता, लेकिन ये लोग तो खा रहे हैं बिच्छू को बिना जहर निकाले। आप खुद ही देख लीजिए, ये क्या तरीका है चीन के लोगों का, क्या इस तरह से जीव जंतुओं को खाया जाता है। ये नेचर के खिलाफ है साफ तौर पर, और उसका परिणाम हम और आप भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। नंबर थ्री, दोस्तों, चीन में खाने को लेकर जितना बवाल होता है उतना ही पीने को लेकर भी। क्या आपने चीन की प्यूरी टी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको आज हम बताएंगे ना। दोस्तों, प्यूरी टी का मतलब होता है स्वच्छ चाय। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लड़कियां इस चाय के बगान में काम करती हैं उनसे कहा जाता है कि वो कभी भी हाथों से चाय पत्ती नहीं तोड़ सकते, उन्हें अपने मुंह से चाय पत्ती तोड़नी होती है। साथ ही इन लड़कियों में कई और चीजें होती हैं जो बाकी लड़कियों से अलग है, जैसे कि प्यूरिटी में काम करने वाली लड़कियां कभी भी किसी के साथ संभोग नहीं कर सकती हैं। इनके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की चाय से चीन के लोगों को क्या मिलने वाला है। दरअसल वहां के लोगों का कहना है कि प्यूरिटी पुराने जमाने में परियां अपने मालिकों को पिलाया करते थे। भाई, वैसे आज के जमाने में ना तो कोई परियां बची हैं ना कोई राजा बचा है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर फोर, दोस्तों, जब बात चाय की हुई है तो आपको बता दें कि चीन के लोगों के बीच पांडा टी बहुत फेमस है। जी हाँ, पांडा टी। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कुछ अलग होगा, लेकिन दोस्तों जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। ये देखिए पांडा टी, दोस्तों इसे बनाया जाता है पांडा जानवर की पॉटी से। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे पांडा की पॉटी से बनाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप पांडा टी पीते हैं तो आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता। इनकी सोच के मुताबिक पांडा टी पीने वाले लोग बहुत हेल्दी होते हैं। पांडा की पॉटी से बना चाय आपके शरीर से कैंसर सेल्स को खत्म कर देते हैं। यह है चीन के लोगों की सोच। भाई, इनकी सोच और इनका तरीका, इन्हीं को मुबारक। नंबर फाइव, दोस्तों, हमने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था कि चीन के लोग पेशाब वाले अंडे खाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया तो अंडों को पानी में बॉइल करती है, लेकिन चीन एकमात्र देश है जहां के लोग अंडे को पेशाब में गर्म करते हैं। जी हाँ, वहां के लोगों का कहना है कि पेशाब में अंडे को बॉइल करने से अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ जाती है, जिससे शरीर को बहुत फायदा होता है। साथ ही चीन के लोगों का मानना है कि पेशाब में अंडे को बॉईल करने से संभोग करते समय उनको ज्यादा ताकत मिलती है और वो ज्यादा समय तक लगे रह सकते हैं। भाई, चीन के लोग और वहां की सोच वही जाने, हर साल कुछ ना कुछ ये नया मार्केट में लेके आ जाते हैं। चीन की सरकार तो पेशाब में अंडे को उबालने को देश की परंपरा बताती है। नंबर सिक्स, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन चीन के लोगों को क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए कैसे ये लोग ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद इसका सूप पी रहे हैं, और ये यही नहीं रोकते, कई बार तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कई बार इनके प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं। और अगर ऑक्टोपस बड़ा हुआ तो उसे पहले बॉईल करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह का मसाला डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या यहाँ के लोगों का जो पेट है वो दूसरे देश के लोगों से अलग है। कैसे ये लोग इस तरह का खाना खा सकते हैं? ये वाकई में इंसानी है या कुछ और है ये? नंबर 7, स्नेक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के लोग सांप को बहुत मजे से खाते हैं। यहाँ सांप खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि जहरीले सांप को एक्चुअली पकाते कैसे हैं। दोस्तों पहले तो जाहिर सी बात है, सांप को पकड़ते हैं, उसके बाद जिंदा सांप को गर्म पानी में डाल देते हैं। जब सांप पूरी तरह से उबल जाता है उसके बाद उसे काटते हैं। कई बार तो मरा हुआ सांप हिलता रहता है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस बिंदास खाते रहते हैं। चीन के लोगों की माने तो इनका कहना है कि सांप को खाने से इनके शरीर में खून बनता है। वैसे खून तो वेजिटेरियन खाना खाने से भी बनता है, इसके लिए जहरीले सांपों को खाने का आइडिया मुझे तो समझ नहीं आया। वैसे आप जब चीन जाएंगे, अगर कभी जाएंगे, तो आपको वहां के लोग भी समझ नहीं आएंगे। क्या आपने कभी किसी को देखा है सांप खाते हुए? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 8, डॉग हेड। हालांकि दोस्तों अब तक आपने जितना भी देखा है उस लिहाज से ये शायद बहुत घिनौना न हो, कुत्ते का सर, डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, फिर जिंदा कुत्ते की खाल नोच डालते हैं और उसके बाद उसे गर्म पानी में बॉईल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है तो उसके बाद उसके सर को काट के अलग कर दिया जाता है, उसे पकाया जाता है और उसके बाद कुत्ते की आंख, कान, नाक, जो दिख जाए वो सब सफा चट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। नंबर 9, दोस्तों चीन के लोग जिंदा केकड़े को भी खाते हैं, तभी तो रोड साइड पे बनी बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स में आप इन्हें देख सकते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ के लोग जिंदा केकड़े को मशीन से खरीद कर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि अगर मशीन से निकला हुआ कोई केकड़ा खराब हो तो उसके बदले आपको 3 और केकड़े दिए जाते हैं। तो ये है लाइफस्टाइल और खाने का तरीका चीन के लोगों का। ये केकड़े को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और 5 डिग्री टेम्परेचर पर इसे फ्रिज में रख देते हैं। समझ नहीं आता कि चीन के लोगों की जानवरों से इतनी दुश्मनी क्यों है। नंबर 10, रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों एक और ऐसा जीव जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते, रेनबो लॉबस्टर। ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये तो चीन के लोग ही बता पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये खाया जाता है। वहाँ के लोग रेनबो लॉबस्टर को बॉईल करके खाते हैं। अगर इसका साइज छोटा हुआ तो जिंदा भी मिर्च मसाला लगा के खा जाते हैं। ये देखिए कैसे, क्या मजे से खाया जा रहा है, किसी को कुछ परवाही नहीं है। जिंदा किसी जीव को खाना मुझे लगता है चीन के लोगों से सीखना चाहिए, मुझे तो देख के उल्टी आ रही यार। नंबर 11, बैट। दोस्तों चीन के लोग बैट बहुत खाते हैं। ना ना, आप गलत मत समझना, ये कोई विराट कोहली वाला बैट नहीं है, बल्कि हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं। आज जो पूरी दुनिया किसी वायरस की वजह से नाच रही है, चाइनीज वायरस, जिसे आप वुहान वायरस कह सकते हैं, कोरोना वायरस नाम है, कोविड-19 भी बोला जाता है, वो भी बैट से ही फैला है। इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ये लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की इसका सूप पी रही है, जबकि इनको भी मालूम है कि बैट में कितने खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। ये तो जीव को देख के ही पागल हो जाते हैं। दिन रात इनको कुछ ना कुछ अजीब गरीब चीज खाना होता है, दिन रात इनको कुछ ना कुछ अजीब गरीब खाना होता है, कौन समझाए इन्हें। आज जो दुनिया में हो रहा है वो भी तो इन्हीं की देन है। चीन है तो हर बीमारी मुमकिन है। अच्छा, क्या चीन में बैट खाने पे बैन नहीं लगा देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पफ फिश। दोस्तों यह है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। इस मछली में होता है जहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये मछली आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं। लेकिन चीन के लोगों को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो दूसरी दुनिया के हैं। जरा देखिए कैसे इस जहरीली मछली को खाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसे ये खाने लायक बनाते कैसे हैं। पफर फिश को काटने के लिए एक स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो जानता है कि कैसे इस फिश के अंदर से जहर को निकालना है। जहर निकल गया तो उसके बाद ये उसे बॉईल करते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आपने पफर फिश का जहर गलती से भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। लेकिन चीन के लोग खाने की बात जब आती है तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या आप कभी जहरीली मछली को खाना चाहेंगे? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट जाते जाते कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दीजिएगा।